शुगर नहीं दिखाई दे रही, शायद मेरे बैग में होगी, एक मिनट। हाँ ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है ना? भाई इमरे एक मिनट। सनम क्या ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? हाँ थी। ये आइलैंड के बैग में क्यों है? सनम जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मुझे एक्सप्लेन करो ये आइलैंड के बैग में क्या कर रही है, बताओ। जान हमने ये रिंग खरीदी है कैंप में, मैंने ऐसी ही रिंग सनम के हाथ में देखी थी और मुझे अच्छी लगी तो एमरे ने मेरे लिए सेम डिजाइन की बनवा ली थी। अब सनम और उस्मान अलग हो गए हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये? मिस्टर जान मैं चलती हूँ। सनम एक मिनट, कहाँ जा रही हो, क्या चल रहा है यहाँ? तुमने ये रिंग क्यों बेची, कोई बताएगा? लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। एमरे ने ये रिंग उस्मान से खरीदी और मुझे दे दी। एमरे और मैं एंगेज्ड हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सनम ने कहा कि तुम्हें ये ना बताएं इसलिए। तो तुम एंगेज्ड हो? हाँ सही कहा। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें गुस्सा नहीं आया, हम तुम्हें सच में सरप्राइज देना चाहते थे। मेरी वो रिंग लौटा दो प्लीज। हाँ सॉरी, ये लो। कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मुझे लगता है मुझे चलना होगा अब। सनम कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मॉम को मेरी हेल्प की जरूरत है, शायद मुझे जाना। नहीं रुको, हमें बात करनी है। सनम एक मिनट। जान रुको। जान मुझे उससे बात करने दो प्लीज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, वो हर्ट हुई है। तुमने उससे बहुत गुस्से में बात की, अब मुझे उससे बात करने दो प्लीज। ओके ठीक है जाओ। तुमने एंगेजमेंट कर ली और ये बात मुझे बतानी बिल्कुल जरूरी भी नहीं लगी तुम्हें, है ना? हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे तो बस कर ली, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई होप तुम समझोगे। ये सब कुछ बहुत सडनली हुआ, मैं मानता हूं मैंने गलत किया। सनम, सनम रुको। क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। क्यों? क्यों आप मुझे अपने प्लान्स में इन्वॉल्व करती हैं? सनम प्लीज शांत हो जाओ। तुम जानती हो कि ये मेरी ओल्ड एंगेजमेंट रिंग है, एमरे ने बताया होगा। मुझे लगा कि एमरे और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। जब मैंने कैंप में ये तुम्हारे हाथों में देखा तो मैंने उससे झगड़ा किया कि वो तुम्हें दूसरी लाकर दे सकता था। उसने इनकार किया तो मेरा भरोसा टूट गया। मैंने उससे कहा कि अगर वो इनोसेंट है तो मुझे दूसरी रिंग। आपने सच क्यों नहीं कहा? आपने क्यों कहा कि आपने उस्मान से खरीदी है? आप सच कह देती। एमरे ने मुझे तुम्हारी झूठी एंगेजमेंट के बारे में बताया था और उसने ये रिंग तुम्हारी हेल्प करने के लिए दे दी थी। उसने कहा कि कोई नहीं जानता कि वो झूठी एंगेजमेंट थी। एक नई कहानी बनाई ताकि जान को पुरानी कहानी का पता ना चले। आई अंडरस्टैंड।
और अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इस शूट में इंक्लूड कर दिया, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं हो। बिल्कुल नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो अपने आप पर गुस्सा हूँ झूठ बोलने के लिए। लेकिन तुमने ऐसी कहानी बनाई ही क्यों? तुमने सबको क्यों नहीं बताया कि तुम एंगेज्ड हो? वो रिंग तुम्हारे पास आई कैसे? एमरे ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, तो उसने कहा कि ये सानम का सीक्रेट है। मैंने मिस्टर जान के ऊपर कॉफी गिरा दी और उनकी जैकेट अब ड्राई क्लीनिंग के लिए जानी है। अपना वॉलेट यहाँ भूल गई थी, इसलिए वो लेने के लिए मैं यहाँ वापस आ गई थी। सनम शांत हो जाओ प्लीज और जल्दी वहाँ से निकलो। हाँ मेरी है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एमरे की जैकेट तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैंने मिस्टर एमरे के जैकेट पे कॉफी गिरा दी और वो जैकेट अब ड्राई क्लीनिंग के लिए जानी है और वहाँ बस मेरा वॉलेट रह गया था, वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई थी और वो ढूंढ रही थी वहाँ बस। तो मतलब एमरे के पॉकेट में जो चीज है वो तुम्हारी है? हाँ मेरी है। ये एंगेजमेंट रिंग मेरी है। हाँ सीक्रेट है मिस आइलिन। ओके कोई बात नहीं। क्या आप सच में एंगेज्ड हैं? हाँ एमरे नहीं चाहता लेकिन किसी तरह से। हाँ कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है सनम, तुम मुझे बहुत पसंद हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए सॉरी फील मत करो प्लीज। चलो हम साथ चलते हैं। नहीं मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। ओके तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? आपका शुक्रिया। सी यू। अभी तक ये दोनों आई नहीं, मैं देख कर आता हूँ। हाँ देखो भाई सनम बहुत अच्छी, उसे ब्लेम मत करो, उसकी गलती नहीं है। आई नो मैं गलत हूँ, वो बस शांत हो जाए उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगा। वो गुस्सा होती है तब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वही बस थोड़ा शांत हो जाए फिर देखते हैं। बाकी सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? अच्छा है, सब अच्छा ही है। मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं। उठा नहीं रही है वो, शायद कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गई है। अब मैं ये सिचुएशन को कैसे सॉल्व करूं? एक काम करता हूं मैं जाकर देखता हूं, कॉल पे बात नहीं हो पाएगी। जान मैंने सनम से बात की, वो वापस नहीं आना चाहती। हाँ सही कहा, मैंने उससे बहुत हर्ट किया है। मैं चेंज करके उससे मिलना चाहता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। सी यू लेटर। सब ठीक हो जाएगा। सनम के लिए झूठ बोला कि हम दोनों एंगेज्ड हैं, जवाब नहीं तुम्हारा। पता है तुमने कितना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया, अब आगे क्या करोगी? मैं क्या कर सकती थी एमरे, रिंग मेरे वॉलेट से गिर गई, मैं क्या बोलूं? मैं उसे बता दूं कि तुमने उसे यहाँ उसकी फाइल्स चुराने के लिए भेजा था? नहीं मैं वो नहीं कह रहा, पर ये कहना जरूरी था। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारे एटीट्यूड को समझ सकती हूँ। तुम एंगेजमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम फंस चुके हो। आई एम सॉरी, मैं इस झूठ के लिए तैयार नहीं था। मैं भी ये रिंग पहनने को तैयार नहीं हूँ जो सनम ने अपनी उंगली में पहनी है, लेकिन प्यार के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। आइलिन आई एम रियली सॉरी। ओके तुम देखना ये सब खत्म होने के बाद हम बहुत अच्छी एंगेजमेंट सेरेमनी करेंगे। अच्छा उस्मान के लिए भी एक लाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सनम ऐसी उदास मत बैठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम भला इसमें क्या कर सकती थी? तुम्हारा नाम इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया है, जान को समझाओ। मैंने तुमसे कहा था उस्मान कि मैं मिस्टर जान से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, पर क्या हुआ ना,
मैंने पहले ही दिन बोल दिया था और मैं उस झूठ से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हूँ। मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, उससे ईमानदार रहना चाहती हूँ। इतना मतलब ही नहीं बनना मुझे। मैं मिस्टर जान को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे सच बताने का अंजाम क्या होगा? तुमने कभी सोचा भी है इस बात को? वो अपने भाई से नफरत करने लगेगा, तुमसे नफरत करने लगेगा, देश को छोड़कर चला जाएगा बाहर। वो अंदर से टूट जाएगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी सच बताने की जिद की वजह से। पर मैं ऐसी नहीं। प्यार किया है उसने, तुम्हें एक्सेप्ट किया है सनेम। उसका प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ता जाएगा सनेम। इन फालतू बातों को छोड़ो, तुम सिर्फ उसके साथ रहो, उसे प्यार दो, वो वही डिजर्व करता है। आगे पीछे और मत सोचो कुछ भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और आगे पीछे ज्यादा मत सोचो। पर एमरे ऐसा कर कैसे सकता है? अपने ही भाई के खिलाफ ऐसा कुछ करते वक्त उसे जरा भी कुछ नहीं लगा? सनेम प्लीज, उस बदतमीज आदमी का नाम मेरे सामने मत लो, समझी तुम? हाँ ठीक है, यहाँ मुझे छोड़कर सारे स्ट्रेस में है। ओह हेलो जी। ओह इसान, कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ ऐसुन, आपकी दुआ है। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, देखकर आप खुश हो जाएंगी। क्या है ये? इस मोहल्ले के सारे शॉप्स का किराया है। अरे इतनी जल्दी? तुमने सच में मुझे खुश कर दिया। खुश होना बहुत अच्छी बात है, काश मैं भी खुश हो पाता। तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या हुआ है बताओ तो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें बोलो ना इसान। मेरी फियांसे के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। कौन से फियांसे? हमने तो कुछ नहीं सुना। अब जाने भी दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। इसान तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, बताओ ना। अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है सुन। किसी और से मतलब? आप भी सुनकर मेरे फैसले के खिलाफ हो जाएंगी। प्यार अंधा होता है, क्या करूं? मैं क्यों खिलाफ हो जाऊंगी? ये तो तुम्हारा फैसला है ना। सही कहा, बस आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। आपको याद है जब मेरी ग्रोसरी की शॉप थी, आप एक दिन शॉपिंग करने आई? हाँ? उस दिन पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा था। आपकी प्यारी प्यारी आंखें देखने के बाद बस उसके बारे में सोचता हूँ मैं। ओ, वो, अरे मैं तो तुम्हारा शेयर देना भूल ही गई, अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो इतना जरूरी नहीं था, बाद में मिल जाते, मैं आपका पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा वैसे मेरा शेयर 10% है, पर क्या हम इसे 15 कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट्स करने हैं। ठीक है ले लो, ये लो। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जाकर और भी रेंट जमा करना है, पर हाँ मैं लौटकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा मेरी हुस्न की परी। यहाँ गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ तो। अच्छा हुआ तुम आई। मौसम कितना सुहाना है, एकदम प्यारा सा। आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ आज कितना शांत लग रहा है, अच्छा ना, सुकून लग रहा है। हाँ 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 सच में कुछ ज्यादा ही शांति है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। कहीं कहीं शादी तो नहीं हो रही? चलो देखते हैं। हाँ मैं आ गया। अपने मोहल्ले का चांद आ गया। मोहल्ले वालों खुशियाँ मनाओ, मैं वापस आ गया हूँ। मिलिट्री सर्विस पूरी करके मैं एक शेर की तरह वापस आ चुका हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। वो देखो सब लोग कितना खुश है मुझे देखकर, है ना? सही कर रहा है? उतारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे खुशी तुम्हारे रोना आ रहा है। मेरी मॉम कैसी है? आपने वापस आ गया, आपका बेटा आ गया। कैसे हो तुम? ये जबरदस्त इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 3 दिन हुए थे उसे जाकर, ये वहाँ से भाग कर आया है। 100% श्योर हूँ मैं। आगे लेके अगर वो भाग कर आएगा तो बहन बाजी के साथ कोई नहीं वापस आएगा। उसके बाद क्या होगा? वो देखो कौन आया मुझसे मिलने, मेरी सासू माँ। अब तो सनम पक्का तुम्हारी होकर रहेगी। 3 दिनों में ही आ गया। थैंक यू सो मच। आया है मैडम, मैं वापस आ गया हूँ। ये देखो कौन है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारे लेटर की वजह से मैं मिलिट्री सर्विस पूरी कर पाया हूँ। बहुत हिम्मत मिली थी मुझे उससे, अगर वो लेटर नहीं मिलता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं मैंने नहीं लिखा था, सब लोगों ने मिलके लिखा था। मैंने तो बस एक सेंटेंस लिखा था ताकि तुम्हारा वक्त जल्दी गुजरे। हाँ मैंने वो पढ़ा था और जवाब भी देने वाला था, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरे पास 3 किडनी है। हाँ मेरे पास 3 किडनी है, है ना कमाल की बात। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सही जरूरत तो समाज को है, तो जाओ यहाँ से। तुम्हें आर्मी से निकाल दिया गया। मुझे निकाल दिया गया।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है। उन्होंने कहा कि जाओ और अपने वतन के लिए काम करो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी एक किडनी डोनेट करूंगा। मेरे साथ कहो, ऑर्गन डोनेशन जिंदाबाद। मैं हमेशा सोचता था आयहन बार बार टॉयलेट जाती हूँ और मैं सिर्फ देखी बात क्यों जाता हूँ, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। कोई बात नहीं, सबके पास तीन ऑर्गन नहीं होते। मैं खुशकिस्मत हूँ, पता है आयहन जब टॉयलेट जाती है तो वो ना मुझो, बस भी करो, तो जाकर सबसे मिल लो, सब तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेकरार है। इस पर बाद में बात कर लेंगे। बाद में शॉप पर भी आना। आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा आऊंगा मेरे भाई। अब मेरी मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है और वो है शादी करना। आते ही शुरू हाँ, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, रुको। सनम ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने खत लिखा है, पूरे 67 पेजेस का। 67 पेज का? इसमें मैंने अपनी फीलिंग सिंपल तरीके से एक्सप्रेस की है। सिंपल तरीके, तुम इसे आराम से पढ़ो, तब तक मैं सबसे मिलता हूँ। मोहल्ले वालों, मुजफ्फर की याद आई या नहीं, बोलो। ढोल वाले जोर से ढोल बजाओ। ओ गॉड, 67 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। हेलो उस्मान, एहान, क्या हो रहा है यहाँ? वो जबरदस्त आर्मी से लौटा है, लंबी कहानी है। हाय जान, वैसे हमें चलना चाहिए, दरअसल मुझे और एहान को बहुत काम है। क्या हम बात कर सकते हैं? श्योर। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पेपर्स कैसे थे, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। जबरजत ने मुझे लेटर लिखा था। जबरजत ने लेटर नहीं, नॉवेल लिखी लगता है। वैसे लेटर्स, मुझे नहीं पता था तुम्हें लेटर राइटिंग का इतना शौक है, मेरे लिए भी लिखो। मुझे पसंद नहीं, पर आप चाहे तो मैं जरूर लिखूंगी। बिल्कुल, मैं बड़े बेसब्री से तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। अच्छा सुनो, सुबह जरा ज्यादा ही बोल गया था मैं, मतलब वो रिंग के मामले में। I'm sorry. मैं भी माफी चाहती हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। सनम, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हर प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना? हाँ, मुझ पर इतना तो भरोसा करती हो ना? करती हो कि नहीं? करती हूँ, पर अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सैड मत हो ना, फिर मैं भी सैड हो जाता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस। Promise. मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, and I'm happy with you, okay? एक और बात, हाँ, हमारी ये सीक्रेट मीटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड ऑफिस में क्यों नहीं बताना है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए। मुझे ऐसे मिलना पसंद नहीं आ रहा सच में। वो जान, मैं वक्त आने पर उन्हें खुद बता दूंगी ना? तुम्हारा ये वक्त कब आने वाला मुझे पता नहीं। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद हूँ, आई मीन सच में पसंद हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? प्लान ये कि मैं मिलकर कहूंगा कि सनम से मैं प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं बताऊंगा, हम रिलेशनशिप में खुश है ये बताऊंगा, मैं पूरी स्पीच तैयार कर लूंगा, थोड़ा सोच कर रखता हूँ कि क्या बोलना मुझे, क्योंकि वहाँ जाकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी बात करने का सही समय नहीं है जान, मैं बाद में बात करूंगी। मॉम मुझे मार डालेगी। मिस्टर जान, जान, मिस्टर जान प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं बाद में बात करूंगी उनसे, अभी सही समय नहीं है मिस्टर जान प्लीज। कुछ नहीं होगा। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा प्यारा हस्बैंड। तुम क्यों आए हो निहार? मैं आ जाती खाना लेकर, शॉप में कौन है? रामी के भाई को बिठा कर आया, मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाना चाहता था। क्या बना रही हो? तुम बहुत टैलेंटेड हो सच में, कितना अच्छा खाना बनाती हो, मैं खुश नसीब हूँ। बताओ तो क्या बना रही हो आज? हाँ, आज रात को स्पेशल है। स्पेशल मतलब? हाँ, हमारे लिए तो हर रात स्पेशल होती है। हाँ, लेकिन आज की रात कुछ खास है, इसलिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। ये खाना तो बड़ा लजीज दिख रहा है, खाने का मजा ही कुछ और है। तुम यही रुको, मैं अपने हाथ मुँह धोकर आता हूँ। मतलब ये
ये सब कुछ भूल गया, इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं रो दूंगी निहार। जान, हाँ। जान आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम देखना मैं तुम्हारी मॉम से कैसे बात करूं। जान एक सेकंड रुको। जान एक सेकंड रुको। जान आप मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और मैं अभी करूँगा, तुम बस देखती जाओ। नहीं, बीच में बोलना मत। नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ मिसेज जान, जरूरत पड़ी तो मैं बात करूँगी आप। नहीं, मैं उनसे बात करूँगा और ये हमारा रिलेशन है, उन्हें पता होना जरूरी है, तो प्लीज। लेकिन फिर भी ऐसे अचानक? नहीं नहीं प्लीज, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। अरे मैं उनसे कोई ऐसे तरीके से बात थोड़ी करूँगा, बड़े प्यार से बात करूँगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र करना बंद करो, चलो हटो। नहीं नहीं नहीं, हम पहले बात करेंगे, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, देखो मैंने बेल भी बजा दी है। अरे ये क्या कर रही है? मैंने बेल बजाई बस। सनम ये क्या कर रही हो? पड़ोसी देख रहे हैं, तुम खुद ही इतनी परेशानी खड़ी कर रही हो, पता है? ठीक है, तो फिर हम सिर्फ चाय पियेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? वो आ गई। मिस्टर जान आइए ना। मिस्टर जान नहीं, सिर्फ जान कहिए ना। वेल, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या मिस्टर निहाद घर पर है? हाँ वो घर पर ही है, अंदर आइए ना, आइए। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या चल रहा है? लगता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं। हेलो मिस्टर निहाद, कैसे हैं? आइए आइए, स्वागत है। आप कुकिंग कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बस कुछ खुदगर्ज लोगों के लिए खाना बना रही थी। खुदगर्ज का पता नहीं, पर ये बड़े ही डिलिशियस लग रहे हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। काश आपको सर्व कर पाती, पर अभी खाना बन रहा है। बेव के बेच ऐसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मैं दावा करता हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट, मुझे भी बुलाना कभी खाने पे, कभी हम बड़े मजे से। हाँ जरूर, आज ही आइए ना खाने पर। श्योर, हमें खुशी होगी। मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बस आपसे कुछ बात करनी है। सनम आपको कुछ बताना चाहती है, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा? मुझे लगता है अभी बता देना चाहिए, यही सही वक्त है, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए। हम क्यों ना बाहर फ्रेश ऑक्सीजन ले और फिर आराम से बैठ कर बात करें। हाँ हाँ प्लीज मिस्टर निहाद, मिसेज मैकेवे प्लीज बैठिए, बैठिए आराम से, आ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस तरफ बैठ जाता हूँ। तो सनम तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ जगह खाली है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। आप कुछ पीना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं, हमें जाना है। अरे जान बैठो। बताओ बेटा, क्या तुम बताना चाहते हो? ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। उस दिन जब आप रॉक पर आए थे और हम दोनों साथ में थे, तो आपने मेरे गले पर कुछ देखा था, वो लिपस्टिक के निशान। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लिपस्टिक के निशान किसी मॉडल के नहीं थे। नहीं थे? नहीं नहीं थे, वो मुझे गलत फहमी हुई थी। हाँ, इसलिए मैं अपने बॉस पर चिल्लाई, लेकिन फिर मैंने उनसे माफी मांग ली थी। क्यों चिल्लाई? क्यों चिल्लाई तुम? इन्हें कोई भी किस कर सकता है, तुम क्यों चिल्लाई? सही कहा। रुक जाओ बेबे, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने किस किया था? सनम थी। सर सनम ने किस किया था? सनम ने। सनम ने? सनम ने किस किया था? हाँ, मेरी बेटी ने। सनम ने। सनम, मिस्टर जान क्या कह रहे हैं? आप यहाँ कर मुझे बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपको किस किया? आप जानते हैं? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा गार्डन है, और आप यहाँ कर मुझसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि क्या बकवास है? साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ। हाँ देखो, मैं आपको सब बताता हूँ। वो मेरे सामने आई और उसने मुझे किस कर दिया, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने किस किया? हाँ ऐसा ही हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और किस किया। मुझे लगता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसने किस किया क्योंकि वो हम दोनों बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहते थे। सनम और मैं, मिस्टर जान प्लीज मुझे मेरी फैमिली को एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके। मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, और जब ये खबर मिस्टर जान ने मुझे सुनाई तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई,
और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और फिर मैंने खुशी के बारे में सुजान को किस कर दिया। मॉम डैड, वो इतनी छोटी सी किस थी, एकदम छोटी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मान गए। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो मॉडल्स के साथ बाहर घूमे और पार्टीज करे, नशे करे। मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाएं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बेटी की गलती है, शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूं क्या? इसकी गलती है। वैसे हम आपको पसंद करते हैं। थैंक्स। ओ, टाइम तो देखिए जरा, मिस्टर जान, हमें ऑफिस में जाना है, ऑफिस में मीटिंग है, हम लेट हो जाएंगे, है ना मिस्टर? तुम अभी नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी, समझी? मुझे तो आपके साथ आना चाहिए, है ना? उसका मेरे साथ जाना थोड़ा जरूरी है। इसे यही रहने दीजिए, समझिए। हम लोगों को बहुत काम है, उसका आना बहुत जरूरी है, हमें उसकी जरूरत है। जाने दो मेरे के, मिस्टर जान के साथ काम खत्म करो, फिर घर आ जाना, बाद में बात करेंगे। चलो चलते हैं। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ना, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू मिस्टर जान, वो जो नया फॉर्म है ना, उसके लिए हम बड़ा सा बिलबोर्ड ले तो अच्छा रहेगा, है ना? ये लड़की मुझे पागल कर देगी निहात, उसको पता ही नहीं कैसे रहना है। और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी गलती है इसमें। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो, मेरी क्या गलती है? मैंने उसे कहा कि जाकर उसे किस करे, तुम भी तो उसकी माँ हो, तुम्हें उसे बात करनी थी ना। मैं कैसे बात कर सकता, मैं उसका बाप हूँ, लेकिन तुम तो माँ हो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, शुक्र है कि वो लड़का अच्छा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, वो सच में बहुत इमैच्योर्ड है, लेकिन तुम्हें याद है तो कह रही थी कि वो लफंगा है, हमें अपनी बेटी को उससे बचाना चाहिए। ऐसी सारी चीजें मेरे मन में भर थी, क्यों भूल गई वो सारी बातें? बताओ ना, भूल गई क्या? भूल गई? पहले तुम क्या भूले हो, उसे याद करो। 30 साल पहले क्या क्या हुआ था, जरा उसे याद करने की कोशिश करो। मैं बेवकूफ हूँ जो किचन में इतना काम करती रहती हूँ? मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। मुझे ये बताओ, इस घर में मेरी क्या कद्र है? है किसी को मेरी परवाह इस घर में? किसको पड़ी है मेरी? मैं काम करती रहती हूँ, पर किसी को क्या पड़ी है यहाँ पर? नौकरानी बना के रख दिया है, बस यही कीमत बची है मेरी। और तुम तो एक नंबर के बेईमान हो, बता देती हूँ मैं बेईमान कहूँ मैं के बे? क्या भूला हूँ मैं? मैं नहीं आ रही जान। सनम प्लीज आ जाओ। नहीं, मैं बस से आऊंगी। सनम, अगर तुम 5 सेकंड में गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं मिसेस मेलाहत को बता दूंगा कि हम प्यार करते हैं, और फिर वो तुम्हारी मम को जाके बता देंगे और सब पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मिसेस मेलाहत। अरे मुझे हाथ चूमने दो पहले। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके यहाँ पेस्ट्री मिलेगी क्या? ओह, कितना प्यारा इंसान है। नहीं। हाँ, आपके लिए स्पेशली। हमें चलना है। नहीं, नहीं, हमें चलना है। नहीं नहीं, रुको ना तुम। हम कार में चल रहे हैं। रामी, चाय लेके आना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हम बाद में आएंगे, अभी बहुत बिजी हैं। हाँ सुनो, कितनी स्वीट है, मुझे कॉल करना। इसकी बात, हम आते हैं। ठीक है, देखो मैं अंदर बैठ रही हूँ, कॉल का इंतजार करूँगी, ठीक है? हाँ, कितना प्यारा बच्चा है सच में। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? तुम्हें आइडिया भी है तुम कितनी प्यारी लगती हो ऐसे? सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए, आपने मेरे पेरेंट्स को क्यों कहा कि मैंने आपको किस किया? उनको पता नहीं कि हम लवर्स हैं, पर अब एटलीस्ट उन्हें एक हिंट तो मिल गई होगी। ये अच्छा ही है ना हमारे लिए, है ना? मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था कि मैं उनसे बात करूंगी। अगर वादा करती हो तो। वो मुझ पर ऐसे चिल्लाए जैसे कि मैं छोटी बच्ची हूँ। पता है मुझे, मेरी शाम को बैंड बजने वाली है। वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं आऊंगा वैसे भी डिनर के लिए। हाँ। आप सच में? हाँ, सच में। आप धीरे धीरे मेरे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, मैं वो डिलीशियस मीट बॉल्स खाने आ रहा हूँ, ठीक है? मॉम एंड डैड की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने इससे बात की। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक बुके लेके आऊंगा। एक दिन आपकी वजह से मैं पक्का फंस जाऊंगी, आई एम 100% श्योर। आप प्लीज बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम भी ध्यान रखना, ज्यादा एग्जैजरेट मत करना, कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं, आप करते होंगे एग्जैजरेट।
मुझे तो बस मीट बॉल्स दे दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपने बेटे के लिए चाय लाई हूँ, अब बताओ मेरे बेटे को डिनर में क्या खाना है, बोलो ना, बोलो। आमी, में मैंने हम्बल रहना सीख लिया है मॉम, आप मुझे कुछ भी दीजिए मैं सब खा लूंगा, कुछ भी। ओ मुजफ्फर, कम ऑन, तुम सिर्फ 3 दिन ही रहे हो वहाँ पर, मिलिट्री ट्रेनिंग तक भी नहीं रुक पाए। वो छोड़ो, उन्होंने मिलिट्री से निकाल दिया तुम्हें, बड़ा बन रहे हो। निकाल दिया? बकवास बातें करना बंद करो तुम। मुझे निकाला नहीं, भेजा गया वहाँ से ताकि मैं एक सिविलियन की तरह लोगों की मदद कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं अच्छे से। तुम देखना मैं अपने देश के बहुत काम आऊंगा। अरे मेरा प्यारा हैंडसम बेटा। मॉम ये आप क्या कर रही है, बस भी करिए, मैं बच्चा नहीं रहा प्लीज। मैं अब बड़ा हो गया हूँ मॉम, मैं अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके आया हूँ, अब मैं एक असली ताकतवर मर्द बन चुका हूँ मॉम। मिलिट्री सर्विस पूरी करने की वजह से मुझमें कॉन्फिडेंस आ गया। क्या बात है, हमारा कमांडर वापस आ गया। वेलकम कमांडर, बहुत मिस किया मैंने आपको, कहा थे कहाँ? एहसान भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो तुम, बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़े हो, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ पर फिर से आ गए? फिर से मतलब, क्या ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? मतलब मेरे जाने के बाद ये मोहल्ले में आकर लोगों को डराते फिर रहे थे? हा? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर एहसान भाई, मुजफ्फर अब इस मोहल्ले में वापस आ चुका है। मुजफ्फर अच्छे से बात करो, जब तुम यहाँ नहीं थे तब मिस्टर एहसान ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए इनसे ऐसी बात मत करो बेटा, समझ रहे हो? क्या 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 क्या, आपने इस इंसान को मेरी जगह लेने दी? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा कैसे कर सकती है मॉम? मैं 3 दिनों के लिए बाहर क्या गया, इस मोहल्ले का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। ए सुन, मैं बिजनेस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओगी? जाओ। मैं जानता हूँ, वाह 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 वाह, नहीं तुम थू थू करना चाहती हो मुझ पर, सही कहा ना? मैं 3 दिनों के लिए आमी क्या किया, सब ने मुझे रिप्लेस करके रख दिया है, एहसान भाई ने मेरी जॉब ले ली, सब कुछ बदल गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिर्फ जॉब ही नहीं और कुछ भी। क्या कहा? ओ मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें खांसी हो रही है? तुम मेरी लाइफ को चो आयहान, कोई सलूशन ढूंढो, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा सा प्लान बनाओ, कम ऑन आयहान। तो मुझो एक काम करते हैं, मुझो सुनो, जब तुम गए थे पहले, मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना, ओके? मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरिन, हमें एडवेंचर चाहिए, ओके? मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब मिस नहीं। डेरिन, क्या आप जरा शांत रहेगी, लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन रोमांस मर चुका है, तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर जान मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आईलीन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या प्रॉब्लम है? जान मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आईली, क्योंकि जब तुम उसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा, ट्रस्ट। क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ तो एडवेंचर हो जाए, आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे कहाँ जा रही हो, मेरे साथ कौन आएगा बोलो तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, चलिए। चलो गाइस सब लोग अपने अपने काम पर चलो, ऑफिस है ना तो चलो काम करो, चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है तो उसका एक एड बनाना है, टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर, इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी? दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा, देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत, एक तरफ है डेरिन और दूसरी तरफ है एलिन, दिख रहा है ना बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार, चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं और मुझे अयान के बारे में भी कुछ। नहीं नहीं उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में बात करती हूँ। नहीं सनम बिल्कुल नहीं, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। सुनो मैं चाह रहा हूँ किस वाली बात को ज्यादा मत सोचना, किसका किस्सा भूल जाओ, ठीक है? नहीं निहात नहीं, एक आदमी को किस करने का मतलब मैं नहीं भूल सकती, बिल्कुल नहीं।
नहीं, मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगी, पर ध्यान तो वही जाएगा ना। तुम किस बारे में सोचोगी भला? तुम हमेशा सवाल क्यों पूछते रहते हो? जाओ अब। मैं अपनी बेटी की आंखों में देखूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। मेलिहान, हाँ? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है ना? मुझे एक वीडियो कॉल करना है। सिर्फ तुम्हारे पास ही स्मार्टफोन नहीं है। मेलिहान बस करो, मैंने कहा ना बस करो। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। हाँ। लाओ मुझे फोन दो। हाँ? अच्छा सुनो ना, रेमी से जरा चाय का ऑर्डर करो ना। चाय पीते हुए तुम्हें बहुत सारी गपशप बतानी है। सच में कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ चलो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस फोन को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जैसे कि चाय को रॉ मेड और चाय बहुत पसंद है। सनम चुप, ये बातें मत बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, अयहान को ये सब पसंद नहीं है। सनम अब ये मेला हाथ आंटी वीडियो कॉल क्यों कर रही है? मेरी मॉम ही हो, अब ये मेरे ऐसे पीछे पड़ने वाली है। मैं जाता हूँ वरना वो मेरे कपड़ों को भला बुरा कहेंगी, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसा मेरा कुछ नहीं होगा। टूट जाएगा। हाँ मॉम। सनम मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे बताओ तुमने मिस्टर जॉन के गाल पर किस किया था? मॉम वो तो ऐसे ही खुश थी तो हो गया वो खुशी में। तो बेटा अगर अपने पापा को किस कर देती वो ज्यादा अच्छा होता। सही कहा। माँ को किस कर देती तो तुमने जाकर अपने बॉस को किस कर दिया। हाँ सही कहा पापा। तुमसे ये बातें करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, बहुत गलत बात की है तुमने। मैं सबसे कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, स्मार्ट हो, और जो तुम करती हो तुमने मिस्टर जॉन को भी मुश्किल हालात में डाल दिया है। ठीक है मैं फिर से नहीं करूंगी। फिर से मत करना ठीक है, समझे ना? मैंने कहा ना पापा फिर से नहीं करूंगी, अब मुझे काम करने दो। हाँ आती हूँ, मीटिंग में जाना है पापा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, मुझसे कहते हो मैं बहुत बातें करती हूँ, तुम भी तो किसी से कम नहीं हो इसमें। मैं तभी बात करता हूँ जब जरूरी हो मेवक में। तुम भी सीख लो, बड़े फायदे में रहोगी, समझी ना? मुझे फक्र है तुम पर, काश तुम्हें जो याद रखना था वो याद रख पाते, पर ऐसा रखना था। मिस्टर निहात आप चाय लेंगे? नहीं मुझे शॉप पर जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, जाता हूँ। अच्छा हाँ बोलो क्या बोलना है बताओ जरा। अरे मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे शेर बच्चे, मेरे बहादुर बच्चे, क्या हुआ मेरे शेर बच्चे को? नहीं नहीं, आप उसके साथ काम नहीं कर सकती, वो एक नंबर का चीटर और घटिया आदमी है। आप ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकती है मॉम, वो एहसान फरामोश है, चोर है, वो आपको लूट लेगा मॉम, आपके पैसे, आपकी ज्वेलरी, सब कुछ लूट लेगा वो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? इधर आओ मुसफ्फर, बातों में थोड़ा इमोशन लाओ ना, ये क्या नॉर्मली बस गंदा है, चोर है बोली जा रहे हो? कम ऑन, ऐसे तुम उन्हें कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। हाँ मैं बहुत अपसेट हूँ, कसम से उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओहो तो क्या हुआ, तुम बाहर थे, मैं यहाँ अकेली थी इसलिए मैंने मदद मांग ली, क्या पहाड़ टूट पड़ा? अरे नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा सौतेला बाप बन जाएगा। अरे बाप रे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है मुझे पता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मैं बहुत अपसेट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने शब्द एक अच्छे इंसान की तरह वापस लेता हूँ, पर मुझे सिर्फ एक ही चीज शांत कर सकती है और वो है मेरी और सनम की शादी। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत हो गया, अब मेरे और सनम के बीच में कोई नहीं आएगा। हम शाम को वहाँ जाएंगे और सनम को आपकी बहू बनाकर वहाँ से यहाँ लाएंगे। बहुत हो गया। ठीक है सुनो आयहान, तुम चलो, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मिस टेमरे, ये बायोआरटी की बजट रिपोर्ट है, ये लीजिए। ओह थैंक्स, मेरे बोले बिना तुमने इसे प्रिपेयर कर दिया, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये रही दूसरी रिपोर्ट आपके काम की है, जो अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। लैला प्लीज तुम यहाँ मेरे पास बैठो। मैंने नोटिस किया जब से हम डिनर पर गए हैं तब से तुम थोड़ी स्ट्रेस में हो। नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लैला मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, झूठ मत बोलो मुझसे। देखो मैं यहाँ सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ,
इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर गया था और उन बातों को शेयर किया जो मैंने अपनी फैमिली से भी छुपाई है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन ये बिजनेस है, तुम्हें इसकी आदत डालनी ही होगी। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं। मिस्टर एम्ब्रे, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे इन चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं सच कहूँ तो ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। सुनो लैला, तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, बस तुम्हें बिजनेस की बारीकी सीखनी है। तुम्हें हर पहलू को समझना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। ठीक है ना? ठीक है। चलो अब हम अपना काम करते हैं। एक फिस्ट बम दो मुझे तो मैं चलती हूँ, मुझे काम करने हैं। सुनो मुजफ्फर, क्या मैं तुम्हारी करीबी दोस्त नहीं हूँ क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम और सनम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे बस अपनी इमेज उसके सामने ठीक करनी है, फिर तुम देखना वो मुझे जरूर पसंद करने लगेगी। मुझे बस किसी भी तरह जॉन डेविड जैसा बनना होगा, एक परफेक्ट इमेज बनानी पड़ेगी मुझे उसके सामने। मैं तुम्हें हरा दूंगा जॉन डेविड। सही है, उसके लिए तुम्हें बदलना होगा, वो भी एक बहुत जरूरी बदलाव। हाँ, तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और एक सलूशन ढूंढते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो। वो भूल गया मेरे हाथ, वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया। उसे याद ही नहीं है कि मैं चीजें क्यों बना रही हूँ किचन में। वैसे मैं अपने बाल क्यों बनवा रही हूँ? मेरी तो किसी को पढ़ी नहीं है, किसी को मेरी कीमत ही नहीं पता। नहीं, वो कभी नहीं भूल सकते, तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतना तो सालों से देखते ही आ रही हूँ मैं, देख लेना। पता नहीं मेरे हाथ। अरे आज मैं तुम्हारे बाल कुछ अलग ही बना दूंगी, देख लेना। मैं इस पार्ट को लेकर इसको कर्ल कर दूंगी और इन्हें ऐसे बांधूंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तुम ऐसे बाल रखोगी तो तुम सच में बहुत अच्छी लगोगी, और देख लेना आज तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा सच में। देखो मेरे बाल ना पहले से ही कर लिए हैं, तो कर्ली करके कोई फायदा नहीं। देखो मैं बताती हूँ, इन बालों को ना ऐसे लेके यहाँ सेट करो, ठीक है? ऐसे इस तरफ ऐसे रहेंगे ना तो लगेगा कोई आ रहा है, मेरा चेहरा भी दिखेगा और लगेगा कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई कीमत है। समझ रही हो ना मेरी? समझ गई, समझ गई, बहुत अच्छा समझ गई। लेकिन एक और आसान तरीका है, मैं जाकर उसके कानों में बता देती हूँ और फिर वो तुम्हारे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे देखना है कि उसे याद है या नहीं, मुझे ये देखना है अपनी आँखों से। तुम रहने दो, देखेंगे आज क्या होता है। मेरे हाथ, कभी हम अच्छे कपल हुआ करते थे, आज तो प्यार ही नहीं बचा है हमारे बीच में। क्या मैं की बे, तुम भी ना, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, एशली जरा इधर आना, मेरी दोस्त के लिए एक बढ़िया सी कॉफी बनाकर लेकर आओ, मैफ की बे के लिए, ठीक है ना? अच्छा रुको रुको रुको, एक काम करो, तुम एक चाय बनाकर लेके आओ, उसको गर्म पानी में अच्छे से उबाल कर लेकर आओ। जाओ और जल्दी लेकर आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम कितनी रिलैक्स हो जाओगी देखना, तुम एकदम खुश हो जाओगी सच में। इसका मतलब मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, यही कहना चाहती हो ना तुम मेरे हाथ? यही कहना चाहती हो ना? मेफकिबे, मेरे हाथ, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? हे ऊपर वाले, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है मेफकिबे? क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं जानती? वो कुछ भी नहीं भूले होंगे, बहुत हो गया, चलो अब रोना बंद करो। अच्छा ये देखो, मैं एक परफेक्ट हेयर डिजाइन बनाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर देखना आज तो निहात और पूरा मोहल्ला सब तुम्हें देखता। हाँ, ही रह तो जाएगा। ऐसा, कुछ तो ऐसा बना दो कि मुझे देखकर उसके होश उड़ जाए, सब देखते रह जाए कि ये क्या हो गया, बहुत मजा आएगा आज। मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है, आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। मैं भी, मैं तो खुद से बात करती हूँ, अगर कोई सुन लेगा तो उसे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते। क्या हुआ जे जे? Mm-hmm.
अरे उन्हें बार बार वो मैं गलती से घुस गया तो मुझे गलत मैं आता हूँ ठीक है इसे क्या हो गया अभी मीटिंग है ना तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे चलिए अच्छा ऐसा ठीक है मिलते हैं शायद यही कहा होगा जे जे अब बताओ आराम से क्या प्रॉब्लम है मैं सुनूंगा बोलो ना हाँ बोलो सरेम क्या हम बात कर सकते हैं नहीं मिस्टर एमरे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तुम नहीं चाहते सुनकर अजीब लगा क्या दिख रही है हेलो निहात तुम्हारा दिन कैसा गया आज आज कुछ ज्यादा कस्टमर्स नहीं आए मेयर के बे आराम से दिन चल रहा है वैसे मेयर के बे तुम इतनी सच धज के क्यों आई हो कुछ है क्या सच धज के कहा मैं नहीं तो नहीं मतलब अब तुम एकदम अलग लग रही हो एकदम रानी की तरह वाकई में मैं क्या कहूँगा बेके बे तुम्हारे हाथों से मीट की खुशबू आ रही है सच में मयूके बे तुम यही रुको मैं अभी घर जाकर आता हूँ अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो क्या हुआ हम तो बातें कर रहे थे ना तो अचानक ये छोड़ के कहाँ जा रहे हो पहले तुम ऐसे नहीं थे और अब तुम मुझे अचानक छोड़कर चले जाते हो ऐसा क्यों करते हो तुम निहाल हमारे बीच प्यार नहीं रहा मयूके बे मुझे भूख लगी है खाना खा कर आता हूँ अभी आया बस दो मिनट अच्छा मतलब खाना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज इसे हमारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं रही और इन हाथों की वजह से सब गड़बड़ हो गई अब ये मुझे प्यार नहीं करता जरा भी नहीं करता और ये हाथों की बदबू सब गड़बड़ हो गया देखो कस्टमर्स को ओवीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए थ्रिल चाहिए वो एक्साइटमेंट उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है वो ट्रेंड में नहीं है मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स हैं। वो लोग रोमांस प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे अब तुम ही बताओ नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो बताओ तो Enough guys, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं ओके अब सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए ओके एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने ओह वाओ देखो 8 वोट्स मिले हैं और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए हाथ क्यों नहीं उठा रही देख क्या रही हो वोट करो ना क्या मैंने सुना नहीं रोमांस या एडवेंचर जल्दी से चुनो ओके रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं रोमांस के लिए वोट करो जल्दी हाथ ऊपर करो मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा दैट्स इट हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे ओके वेल इसमें सोचने की क्या बात है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है रोमांस या एडवेंचर अच्छा ठीक है समझ गई पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क
The meeting is over, guys. मिलते हैं जल्दी. क्या? Amusement park. हम कार रेसिंग कर पाएंगे. मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का. गाइस तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है. देखिए मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको. मेरे डैड का कॉल है. ठीक है. हेलो डैड. सेनम, मुझे तुम्हारी मॉम को एक अच्छा तोहफा देना है, उसके लिए एक पोएम लिखनी है. मेरी मदद कर दो ना बेटा. डैड क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनो सेनम, मैं अभी बहुत ही इमोशनल हूँ. मुझे एक अच्छी पोएम लिखनी है, पर मैं एक बुरा लेखक हूँ. मुझे बचपन में पोएम लिखने में 0 मार्क्स मिलते थे. हाँ, मैं बहुत बुरा था पोएम में. डैड मुझे भी यही प्रॉब्लम था, पर मैं कोशिश करती रहती हूँ. नहीं 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 नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो सरम, तुम एक राइटर हो, मेरी मदद करो ना. तुम्हारी तो स्क्रिप्ट को प्राइज भी मिला है और उसकी शूटिंग भी हुई है. मेरी डायरेक्टेड बच्ची हो तुम, राइटिंग में बेस्ट हो, फिर से अपने बारे में ऐसा कभी मत कहना. खुद को डीमोटिवेट बिल्कुल मत करना, समझी ना? ठीक है डैड, आपको कैसी मदद चाहिए? ओ, तुम्हारी मॉम रात के लिए बहुत सारी डिशेस बनाने वाली है और यहाँ मुझे 3 लाइनें लिखने के लिए नहीं आ रही है. मैं क्या करूँ बताओ ना बेटा, मेरी मदद करो ना बेटा. डैड खुद पर भरोसा रखिए, आप ये कर पाएंगे. अच्छा सुनो बेटा, तुम मेरी तरफ से कुछ लिख दोगी? मैं डैड, मैं पोएट नहीं हूँ, और वैसे भी वो पोएम आपको लिखनी चाहिए. आपको पता है ना, मॉम कब से उस पोएम का इंतजार कर रही है. और वैसे भी उसमें आपके फीलिंग्स दिखने चाहिए, आपके इमोशंस होने चाहिए. और भला वो पोएम मैं कैसे लिख सकती हूँ? डैड आप ये कर सकते हैं. तो तुम मेरी मदद नहीं करने वाली? नहीं डैड, देखिए ये एक स्पेशल मोमेंट है. आप बैठिए, रिलैक्स कीजिए और गाना सुनते सुनते कुछ लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ. रात में खाने के लिए मिलते हैं. समझ गए ना? हाँ, हाँ समझ गए. गुड, अब आइडियाज देखते हैं. ओके बताओ, अम्यूजमेंट पार्क में हम कौन से रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे रोमांटिक स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कैंडी फ्लॉस, कैराउजल, मस्ती रोलर कोस्टर, बड़ी राइड्स, खुले गार्डन, बॉक्सिंग मशीन भी होगी जहाँ पर लड़का लड़की झगड़े करेंगे. लड़की मारेगी तो मजा नहीं आएगा, फिर लड़का उसे धीरे से मारेगा ताकि लड़की मैच जीत पाए. फिर उन्हें मिलेगा टेडी बेयर और वो खुश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे. देखो ये सब मैंने मूवी में देखा था, मैं असल में अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गया हूँ. ठीक है, कभी नहीं गए? नहीं, लेकिन अब हम जाएंगे वहाँ, फिक्र मत करो. हाँ हाँ ठीक है. कोई और रोमांटिक आइडिया है क्या? हम ना किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं जो रोमांटिक गाने गाकर माहौल बनाए. हाँ, एक्सक्यूज मी, किन पैसों से होगा ये सब? हमारे पास पैसे नहीं है. सुनो, अपने आइडियाज के नोट्स बनाओ और मुझे बताओ. ठीक है, मैं कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी लिखने के लिए नहीं कह रहा. मेरे पास एक आइडिया है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है. देखो 6 कपल हैं जो साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक वक्त गुजारने के लिए. फिर वो जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उनको घर वक्त पर पहुंचना है. ओके गाइस, तुम लोग इसमें अपने इनपुट्स भी डाल सकते हो. सनम तुम भी इस पर काम करो, कौन सा बेहतर है मैं चुनूंगी. मिस डेरेन, मुझसे ज्यादा रोमांटिक राइटर कौन होगा यहाँ पर? ब्रावो, भरोसा है मुझे तुम पर. और हाँ, आइलेन को कुछ भी नहीं दिखाना, वरना वो तुम्हारे आइडियाज चुरा लेगी. वो एक नंबर की चोर है, समझ गए? क्या तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, उस खड़ूस की? चुप करो तुम. क्या हुआ डेरेन? मिस्टर जॉन, मुझे आइलेन के बारे में बात करनी है. रियली? बोलो क्या है. आइलेन को इस ऑफिस से बाहर निकालना होगा. आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप यहाँ नहीं थे. उसका दिमाग बहुत तेज चलता है.
देखा नहीं कैसे नजर है इसकी हम पर, देखा आपने? मैं क्या कर सकता हूँ डेरिन, हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम जरा केयरफुल रहे। अगर आपने उसके लुक्स, उसके एटीट्यूड को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता तब आपको समझ आता कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज उस पर नजर जरूरी है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, कॉफी पियोगी क्या? नहीं थैंक्स, इस वक्त कॉफी नहीं, पर हाँ बहुत दिन हुए हमने ड्रिंक नहीं की, तो आपकी तरफ से एक ड्रिंक बनती है, क्यों है ना? मुझे ट्रीट चाहिए। ठीक है, हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं, मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, याद दिलाऊंगी, ये ट्रीट आप पर ड्यू है। ओके, मिलते हैं। सी यू, बाय। मिस्टर हारून बस आते ही होंगे। मेरा आदाब के नाम से, तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मेरा प्यार देना उसे, ठीक है? आयहान यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं बाल कटाने हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ तो 15 मिनट में पैसे देकर बाहर आ जाता हूँ, यह हो क्या रहा है? अगर तुम्हें अपनी इमेज बनानी है तो थोड़ी ग्रूमिंग तो लगेगी ना मुजफ्फर, जरा आसपास तो देखो, ये कोई ऑर्डिनरी हेयर ड्रेसर नहीं है, यहाँ बालों की केयर की जाती है, तुम्हें ये सीखना चाहिए, नहीं तो तुम उस रेस को कभी नहीं जीत सकते, तुम जान को नहीं हरा सकते। ठीक है चलेगा, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो करना है करो। मेरे हवाले नहीं मुझे, तुम्हें मिस्टर हारून के हवाले खुद को करना होगा, वो देखो। हेलो, वेलकम सर। हारून भाई, कैसा लग रहा हूँ? थैंक यू। ओह नो फोटोज प्लीज, थैंक यू। लीजिए, मैंने लिख लिया है, देखिए। दिखाओ मुझे सनम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया, और मुझे भी। ये बिल्कुल बकवास है। तुम इतना घटिया कैसे लिख सकती हो? पपेट्स के साथ रोमांटिसिज्म नहीं होता, नहीं ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अगर इसमें मैजिक होता तो काम शुरू करवा देती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही खराब है, कुछ और सोचो। आपने जानबूझकर ऐसा कहा है ना, पता है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो, तुम चाहती हो मैं चिल्लाऊं? और मुझे रोने पर? जाओ और नया लिख कर लाओ। जैसा आप कहेंगी। देखो तो इसे। मेवकी बे, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें देखकर वो चौंक गया क्या? अरे चुप रहो, चुप रहो। मुझे लगता है निहात मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। इसीलिए मैं जाकर चुपके से देखना चाहती हूँ। ओके। हाँ। ये वाला भी ठीक है जी। ऑल राइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो? गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है?
पक्का तुमने लिखा? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? व्हाट इज दिस? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो, फिर से लिखो। चलो, अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ। बाय। अपने पेट की पड़ी रहती है, खाने के अलावा कुछ और सोचते हो तुम? कुछ याद है तुम्हें? भूल गए ना? ऊपर वाले, मैं भी सब भूलना चाहती हूँ, कुछ याद नहीं रखना चाहती, सब भूल जाना चाहती हूँ। मेरे के बे, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये बात? क्या ये मुमकिन है? अरे हम इतने सालों से जिंदगी एक साथ जी रहे, सुख दुख प्यार झगड़े हमने सारे पल साथ जिए हैं, पर तुमने मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अरे जब देखो तब मेरे पीछे तुम्हारी पक 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 चलती रहती है। मेरे भी प्लान से, मेरे भी आइडिया से, मेरा भी हक है, लेकिन तुम में सब्र नाम की चीज ही नहीं है, बस मेरे पीछे पड़ जाती हो, पीछे पड़ जाती हो। मुझे लगा तुम भूल गए इसीलिए दुखी थी, माफ कर दो प्लीज मुझे। जान में विके बे, मैं कैसे भूल सकता हूँ? बोलो, क्या ये भी कोई भूले की बात? हम 30 सालों से एक साथ हैं। मैं क्या हमेशा हमेशा ऐसा करती हूँ? हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ओ, गुस्सा हूँ मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ, कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? यू नो, मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। यू नो आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू, लेकिन याद रखना बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? Okay. हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ, रिलैक्स करो, जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, अब मुझे चलना होगा। बहुत सारे अरे अरे बाय बाय किस नहीं करोगी, क्या करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सर। ए रुको, ओके ठीक है, लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी।
स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत मुश्किल है भाई। मैं हमेशा इतने सारे आइडियाज लेकर जाती हूँ लेकिन इन्हें कुछ पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता। और ऐसा क्यों है? कोई रीजन भी नहीं बताता। मेरे लिए ये नॉवल बात है, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। एक साल के बाद उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की थी। क्या कह रहे हो तुम? पर ऐसा क्या लिख रहे थे तुम? ऐसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है एक छोटा सा फेवर करो ना, एक आइडिया चाहिए, एक छोटा सा आइडिया, आइडिया। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं, लेकिन क्यों बोलूं? देखो मुझे माफ कर दो सनम, मैं बिजी हूँ। मैं भी अम्यूजमेंट पार्क पर काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता, ठीक है ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें गलीना के लिए हेल्प की थी, तब तो आइडिया के लिए रो रहे थे तुम, याद है तुम्हें? नहीं की थी हेल्प, मेरी वजह से हुआ था वो काम। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और एक आइडिया ही तो मांगा है तुमसे, मेरी हेल्प करो। सुनो, आज मुझे इसकी जरूरत है, समझ रहे हो ना तुम? तो मेरी हेल्प करो। सॉरी। सॉरी से क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यू नो व्हाट, आज से तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में हो, आज का दिन भूलूंगी नहीं मैं, ठीक है ना? आज के बाद अगर तुम मुझसे कभी हेल्प मांगने आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? मैं नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। कैसे हो? कैसा हूँ? सब मेरे कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत बहुत हुआ, मैं फिर से पैनिक हो रहा हूँ, इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ? अरे मैं क्या इंटरनेट हूँ जो तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूँ? मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों से, नहीं करना है मुझे काम, नहीं करना है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ठीक नहीं हूँ। मैं समझ गई, तुम फिर से स्ट्रेस में हो। तुम मेरे पास आ सकते हो कोचिंग के लिए, पिछली बार हमने सीरियसली नहीं किया था ना। ऐसा लगता है कि तुम्हें और सेशन की जरूरत है। मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ, शाम को नहीं आ सकता, नामुमकिन है, मैं बहुत बिजी हूँ। कल अम्यूजमेंट पार्क का शूटिंग रखा है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। पता है मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है यहाँ पे, हर बार होशियारी मेरे ही गले पड़ती है। कोई आइडिया डन हुआ नहीं कि उसकी तैयारी के लिए भागो, सारे डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। पता नहीं मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ, सब खत्म होने के बाद ही शायद मिलूंगा मैं तुम्हें, ये सब कब खत्म होगा मुझे पता नहीं। मैं कुछ नहीं समझी। तुम समझो या ना समझो उससे मुझे क्या, मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं बैठा हूँ यहाँ, मेरा दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। तुम नहीं समझोगी। अरे जी जी, मुझे तुम्हारी जरूरत है मार्केटिंग के लिए, मतलब मेरी वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर तुमने मुझसे वादा किया था तुम मदद करोगे, बोलो ना। हाँ किया था, याद है मुझे। जरा आज का काम चेक करने दो, रुको एक मिनट, बस चेक कर लेने दो मुझे। कहाँ है? मिल गया। हाँ, सुबह उठना, फिर नाश्ता, ऑफिस के लिए जाना, चाय कॉफी पीना। हाँ पूरे दिन में मुझे आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है ठीक है, काम के बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है, शाम को मिलती हूँ, थैंक यू। जे, वो फाइल्स कहाँ है जो आर्चिव से ले गए थे? कहाँ है? क्या कर रहा है? नहीं मिल रही है वो। तो तुम नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढ सकते, हर बात के लिए मूड है, मेरी तरफ दौड़े आते हैं, खुद देखेंगे नहीं, मुझसे पूछते रहेंगे कहाँ है, कहाँ है। लो, दो मुझे, देखो जरा। ये लीजिए, पढ़िए। इस बार कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा, तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा अच्छा नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? बस समझ गई। अरे मुझे भी बताओ क्या हुआ। क्या? देखो सुनिए, आप ये सब जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते, मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी और बहुत अच्छा एक्टर भी, सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ।
मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों करेंगे? अगर बुरा है तो बुरा कहूंगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा, मैं ये फाड़ता हूँ। और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा, तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म, रोमांटिज्म क्या होता है। मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने फेंक दिया उसे। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कहाँ? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो, कि जब तुम गुस्सा होती हो ना बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ, इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओ गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस, आज के लिए इतना बहुत था, अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं, पूछो इसे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या हुआ? चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह, बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगी। तुम क्या कर रही हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनी, ये सब क्या चल रहा है, मुझे अच्छे से बताओ, क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें? हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है, और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। वी आर डेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनेम, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सनीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर, ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों, क्यों नहीं होगा ये बताओ। सनीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो, मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ, और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो सलीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सनीम। मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा, और क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सनीम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सनीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सनीम, सनीम मेरी बात सुनो, ये गेम तो ग्रोसरी वाली सनीम ही जीतेगी। सनीम, लैला एक मिनट यहाँ आना, ये वायरटी होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने वायरटी के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला?
उनके सीईओ का कॉल आया था, वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलैंड। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में, लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है, ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। सी यू। जे जे को ढूंढ रही हूँ। हेलो जे जे, यही कहीं होगा उस तरफ। तुम जे जे को? मैं उनकी दोस्त हूँ, उनके गांव से आई हूँ। अरे वाह, जे जे के गांव से, वैसे कौन सा उसका गांव? क्या अभी बात करनी जरूरी है? बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला कैसा रहेगा? कुछ आइडियाज लेने चाहिए और सीखना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? और तुम्हें इसमें और थोड़ा जी। कैसी हो तुम? गांव के सारे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्होंने ये बॉक्स भेजा है। अच्छा मैं चलती हूँ जे जे। ठीक है जूजू, अच्छे से जाना। तुम्हारा गांव बहुत दूर नहीं है क्या? अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अरे लिखाओ तो है क्या? चलो लिखाओ तो क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे लाओ तो चुप करो, चुप करो। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चीजें इसमें है क्या? लाओ इसे। क्या हुआ जीजे? मेरे पास दो, हम दोनों इसे साथ में खोलेंगे, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, इसलिए। तो तुम तैयार हो इसे खोलने के लिए? अभी खोलो ना इसे। नहीं नहीं अभी नहीं, इसे बाद में खोलेंगे। क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? हाँ, तुम और मिस्टर जैन मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस्मान, सनीम खुद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है, तुम्हें इसको मिलना चाहिए। उसने कहा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा जब उसने कहा कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन जब मैं सारी सिचुएशन को देख रही हूँ तो लगता है ये पॉसिबल नहीं है। सनीम को ये रियलाइज होना चाहिए, वो समझ ही नहीं रही है। लैला, मैं ये नहीं कर सकता। मगर सुनो ना उस्मान, मिस्टर जान ऐसे नहीं है जिससे ऐसे रिलेशन रखे जाए। वो कभी सनीम से उस तरह से अटैच नहीं हो पाएंगे, वो उससे बहुत अलग है। तुम एमरे से प्यार करती हो, अगर वो एमरे के साथ हो सकता है तो वो मिस्टर जान के लिए भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर रही है वो खुश रहने के लिए कुछ भी करेगी, और वो वही कर रही है। उस्मान, मिस्टर एमरे और मिस्टर जान में बहुत फर्क है। वैसे भी मैं उनसे गुस्सा हूँ, वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर लैला, वो देखो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ, समझी तुम? उस्मान क्यों, तुम्हारे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं समझ गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, पर देखो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, समझी तुम? पर शायद तुम अपने राज को राज ही रखना चाहती हो। उस्मान मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे जवाब नहीं चाहिए लैला, मैं जानता हूँ हम साथ नहीं हो सकते, मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करती हो। उस्मान तुम ऐसा क्यों बोल? मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को एक्सप्रेस कैसे करूं, या फिर मैं खुद को समझाते फिरूं। मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो लैला, तुम अपसेट मत हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं। लैला, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं,
देखो इसे इस तरह से करो, देखो और कुछ सीखो भी, मुझे बार बार मत बुलाओ, हर बार मुझे फोन करती रहती हो, यहाँ क्लिक करो बस। हाँ सही है, ये सब अब कमर्शियल में दिखेगा और यहाँ सर्च इंजन बहुत अच्छे। सब कुछ हो गया जी। जी याद है हम एक बार एक शॉप में गए थे जहाँ पर कैंपिंग आइटम्स बेच रहे थे, फिर से वहाँ चले क्या? इसलिए यान मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है, मैं कैंप में रहा क्योंकि मिस्टर जान चाहते थे, वो बॉस है इसलिए रहना पड़ा, वरना मुझे बिल्कुल कैंपिंग पसंद नहीं है। नहीं नहीं कैंपिंग के लिए नहीं, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी वहाँ। कुछ याद आ रहा है? बातें नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं अपने दिमाग को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, वैसे ही घूमता रहता है। अब क्या बचा है बोलने को, क्या बोलना है? हो सकता है कि हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एक जैसी ही हो। देखा तुमने कैसा इलेक्ट्रिक झटके जैसा है ना, मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ। अब कैसे एक्सप्रेस करूँ, पता नहीं ये तब भी होता है जब मैं अकेली होती हूँ, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक झटका लगता है मुझ में। नहीं चाहिए, मैं इलेक्ट्रिक झटके खाने के लिए पागल नहीं हूँ। जे जे क्या है? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बाप रे, ऐसा सुन मत करो, ये क्या किया तुमने, मुझसे प्यार व्यार मत करना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, कैसे करूँ प्यार, मैंने कभी किया ही नहीं किसी से पहले। बाप रे, दिमाग को बहुत तकलीफ देगा। अब तुम इस ऑरेंज जूस को ही ले लो, इसको होठों से भी नहीं लगा पाया मैं, इसको भरूंगा फिर पीऊंगा, मैं बहुत ही ऑब्सेसिव किस्म का इंसान हूँ, तुम तो मुझसे दूर ही रहो। अरे बाप रे, मेरी आवाज़ को क्या हो गया? देखो तुम्हारी वजह से मेरी आवाज़ को, देखो क्या हो गया, देखो। करीब मत आना, करीब मत आना, वरना रही से ये आवाज भी बंद हो जाएगी, मैं अपनी बुलंद आवाज को खोना नहीं चाहता। बिल्कुल करीब मत आना। मेरी जान, आज मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। और मैं भी बहुत। ये साल झेलना मतलब काफी हैंडसम लग रहे हो वैसे तुम आज, ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। उतनी आज भी सच में जिंदगी हसीन है, जी करता है ऐसे ही तुम्हें गले लगा लूं। क्या चल रहा है यहाँ? देखो इन्हें, हमें कैसे टुकर टुकर के घूर रही है। हमें पता है आप दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, लव यू। अच्छा हुआ आपने शादी की, वरना हम कैसे पैदा होते। हाँ बेटा, हम भी बहुत खुश हैं आज। और डैडी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। क्योंकि भी कितने प्यारे हैं, तुम्हें पता था कपलिंग, वो भी हमारे इनिशियल के साथ, नेहत और मेव के बे, बहुत प्यारे हैं बेटी, बहुत प्यारे हैं, खुश रहो तुम, बहुत प्यारे हैं। I'm sorry, मैं कुछ खरीद नहीं पाई। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम खुद ही मेरे लिए गिफ्ट हो। उल्लू बनाया, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आपके लिए ये खूबसूरत चीज लाई हूँ। थैंक यू बेटा, इस तरह तो तुम हमें बिगाड़ दोगे, मैं खोल के देखती हूँ। जल्दी करो। निहाद, देखो स्मार्टफोन, इसके लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले बेटा? मुझे नहीं पता। मतलब? याद है वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे लिफाफे में डालकर, बस उन्हीं से। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। अरे मॉम, मुझे किस तो दो आप, बस हर बार मुझे वीडियो कॉल करती मत रहना, ठीक है? समझ गई? वो मैं देखूंगी क्या करना है। दरवाजे की बेल बज रही है, मिस्टर जान आए होंगे, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। मिस्टर जान, वो आपकी एनिवर्सरी पे यहाँ क्या कर रहे हैं? वेलकम। थैंक यू, अंदर आ सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, एनिवर्सरी के लिए।
युकिबे, आखिरकार 30 साल बाद मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। मेरा प्यार जताने के लिए तुम्हारे नाम का मतलब निकाल ही लिया। पढ़ता हूँ। एम मतलब मेरी हो, ई मतलब इजी गोइंग हो, वे मतलब वाह वाह, के मतलब काइंड, आई इंटेलिजेंट, बी मतलब ब्यूटीफुल, और ई एकदम सच्ची। ये देखो मेरी क्या बात है। मैं रोमांटिसिज्म अपने डैड से ही मिला है सच में। ओह डियर, इसे तो मैं फ्रेम करके लगाऊंगी। चलो चलो खाना खाते हैं, ठीक है? डैड आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपने ये कैसे किया? मैंने बस कोशिश की। चलो तो अब शुरू करते हैं। माफ करना, मैंने खुद को जबरदस्ती आपका गेस्ट बना लिया। वैसे मुझे 3 चाहिए। 3? हाँ, क्यों नहीं, 3 आपके लिए। हमारे घर पर हमेशा स्वागत रहेगा। हाँ सच कह रहा हूँ। एक दिन हमारे घर में दूल्हे आएंगे तो हमें अलग अलग लोगों की आदत होनी चाहिए ना। मॉम आप ये सब क्या कह रही हैं? दूल्हे वो भी एक नहीं बहुत ज्यादा, 2 होंगे शायद। तुम्हारी माँ बहुत टैलेंटेड है, उसे वो अच्छा वाला फेस मिलना चाहिए ना। बहुत अच्छा है। अच्छा मैं कार में कुछ भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? आप लोग खाइए। मॉम आप कैसी बातें करती हैं दूल्हे बूल्हे की। हाँ अरे भूल हो गई मुझसे, मुझसे निकल गई ऐसी बात, तो क्या हुआ? ये बहुत डिलीशियस बनी है। मॉम जल्दी करो, जल्दी चलो ना। अरे इतनी जल्दी क्या है, इतना तेज क्यों चला रहे हो? मॉम जल्दी चलना पड़ेगा वरना वो सो जाएगी, वो टाइम पे सोती है। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। बेटा हमने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया है, कम से कम फोन तो करना था। मैंने कहा था ना आपसे ये एक सरप्राइज रहेगा। बस मॉम मैं अब शादी करना चाहता हूँ, मिलिट्री सर्विस ने मेरी आंखें खोलती है। अब बस अब बहुत हो गया, मैं उसे कितने सालों से जानता हूँ। मॉम हम वहाँ पर बेतकल्लुफ होकर जा सकते हैं, उसके गार्डन का गेट खुला होगा, हम पीछे से घुस जाएंगे, जैसे पुलिस घुसती है, एकदम सरप्राइज हो जाएगी वो। ठीक है चलो फिर। तुम खा क्यों नहीं रही हो? मैं मिस्टर जान के लिए वेट कर रही हूँ। मॉम हाँ ठीक है ठीक है। हेलो कैसे हैं आप सब? जबाजत तुम घर में कैसे आए और क्यों आए? गार्डन का गेट खुला था, वहीं से आ गए, वहाँ से किचन में घुसे, फिर यहाँ पर आ गए। वहाँ पर गेस्ट की स्लीपर्स पड़ी थी, वो पहना और मैं यहाँ पर आ गया। देखो सर मैं तुम्हारे लिए इतना सर्च दर्ज कर आया हूँ, लग रहा हूँ कि नहीं एकदम मोस्ट वांटेड मुंडा, क्या कहती हो? कहाँ के मोस्ट वांटेड मुंडा, तुम तो वैसे ही दिख रहे हो जैसे पहले दिखते थे। सही कहा, मैं वही हूँ, कोई मॉडल नहीं हूँ मैं। ओरिजिनल मॉडल आ गए हैं। ओह तो तुम भी यहाँ पर आ गए, इतने खूबसूरत फूल लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल अपने साइज के हिसाब से बुके लाए हो, आखिर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ हाँ मैं समझ गया, आप शायद यहाँ पर ये फूल लैला के लिए लाए होंगे, क्योंकि मैं सनम के लिए पहले से फूल लाया हूँ। देखो मैं सनम के लिए पहले से लाइन में खड़ा हूँ, मुझे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए तुमसे, तुम तो अभी अभी आए हो यार, है ना सनम? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ ना बताओ। क्या बोल रहे हो तुम? ये फ्लास मिसेस मैकबे के लिए और ये डेजर्ट मिस्टर निहाल। थैंक यू सो मच। इसको तो कुछ भी नहीं आता है, डेजर्ट हमेशा लड़कियों को दिया जाता है, ये देखो। ऐसे नहीं मानोगे, कौन सी चक्की का आटा खा रही हो आजकल तुम? मैकबे ये सब क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है? हम लोग दूल्हे के बारे में बात कर रहे थे, मजाक चल रहा था और कुछ नहीं, और देखो जरा। अरे ये क्या मॉम मॉम मैंने कुछ निकल लिया है। मेवकेबे तुमने वो रिंग निकल तो नहीं ली ना? मॉम नहीं नहीं रिंग मैंने जेब में, तो फिर आप कौन सी रिंग निकल गई? पानी पानी
दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है मिलके वे, प्लीज 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 मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मिलके वे, मैं चला ही रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना, इनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डैड जरा शांत रहिए, मिस्टर जान गाड़ी प्लीज थोड़ी तेज चलाइए, मैं चला ही रहा हूँ, नहीं मुझे छोड़कर मत जाना, मिलके वे, नहीं नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लीज प्लीज आराम से अच्छा होगा, कोई रिंग को मीट बॉल में कैसे रख सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, डैड आप ऐसे आंटी आपको भी देखकर खाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे खा गई आप, बिना देखे नहीं खाना चाहिए, मेरी मॉम ने मुझे ये बात सिखाई है, पता है, तुम कार में क्या कर रहे हो, हाँ हाँ हम यहाँ इस कार में क्या कर रहे हैं, मेरा तो दम घुट रहा है, प्लीज इन खिड़कियों को खोल दो इन्हें, मेरी के बस थोड़ा सा सहन कर लो, प्लीज थोड़ा सहन कर लो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी और सनम की शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना, आप राजी है ना हमारी शादी के लिए, हाथ मांग रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरी नियत बहुत साफ है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ इस बात के लिए, आज मैं आया था तो ये सब हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसे ही हाथ मांगना लिखा हो, क्यों तुम आ जाओ ना पीछे, हम दोनों बैठ के साथ में ताजी हवा खाएंगे, क्या कर रही हो, बाहर पुश करने की कोशिश करो, उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, प्लीज पुश करो, ट्राई करो मॉम प्लीज, इनहेल कर लो और फेंक दो बाहर, खिड़की खोलो, करो करो कोशिश करो, होता है तुम्हारे मोहल्ले में, ये रिंग वाली बात कभी नहीं है, लेकिन हाँ हम कम ज्यादा इसी तरीके से, मतलब आदत है, इससे पहले यहाँ कौन बैठा होगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, उठो यहाँ से, ठीक है मॉम ठीक है, रिलैक्स कुछ नहीं होगा मुझे, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना सासु माँ की देखो यहाँ कुछ फंसा हुआ है, यहाँ निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी, मेवी की बहन, मॉम आप ठीक है, रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से, हाँ हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था, मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे, ऑपरेशन की जरूरत है मॉम, बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे, डोंट वरी मॉम, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, मैस्की बे मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, थैंक यू, और पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा, गुड नाइट, नो प्रॉब्लम मिसेस मैकबे, चलो चलते हैं, हाँ चलते हैं, अब चलिए माता, तुम नहीं आओगी ना, ये ले लो किसी पेशेंट को दे देना, कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा, आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ था, जाओ अभी आई डैड, हाँ ड्रामेटिक तुम्हारी तरह, मेरा परिवार ऐसा ही है एकदम ड्रामेटिक, पता है आई मीन मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हो, बेटा आ जाओ, आई मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है, कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा लगेगा, मॉम को तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, आ जाओ, ठीक है मैं वेट करूंगी, ठीक है, और हाँ कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हाँ आ गई मिस्टर जान, कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड, कितना भारी है, अरे ये ऑनलाइन अच्छा पार्टनर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है, आई मीन डेंजरस भी है, लोग ऐसे अनजान आदमी से मिल कैसे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझे किडनैप करके मेरे ऑर्गन निकाल कर बेच दिए तो मैं सारी जिंदगी कैसे जीऊंगी, वही तो मैं तुमसे कह रहा था, ये जो ऑनलाइन लवर्स होते हैं ना, आप उसे पसंद करते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर मिलने बुलाते हैं, सनम तो मुझे प्यार करती नहीं, अब मैं क्या करूं, उसकी मॉम कुछ और बोलती है और वो कुछ और बात करती है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कितना गोल गोल घूमूंगा मैं, यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ थाली के बैंगन की तरह, मैं यहाँ कोई सच्चा लव नहीं ढूंढ रही, मैंने बताया था ना मुझे इन सब से बाहर आना है, इससे पहले बॉयफ्रेंड सिंड्रोम से मैं उसके साथ डिनर पर जाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी, तुम क्या कह रही हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, बहुत वर्कआउट हो गया, अब थोड़ा आराम करता हूँ, जरा देखो तो मेरी बॉडी में कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ दिख रहे क्या डोले शोले कुछ,
क्या ये सच है कि तुमने सनम का पीछा छोड़ दिया? जानते हो मिसेस मैप के वे तुम्हें कभी अप्रूव नहीं करती। फिर किस लिए जान को चैलेंज किया था तुमने? पता नहीं। चैलेंज नहीं, उसे हरा कर रहूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं उसे कैसे हराऊंगा। सनम मेरा प्यार है, किसी और का नहीं। मैं उसे मेरा बना कर रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्या हम दोनों साथ साथ डिनर पर चलें? चलो लवर्स बनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो है सनम। मेरे दिल पे अभी भी चोट लगी, तुम नमक मत छिड़को उस पर। सफर, ये सब नाटक होगा। मैंने तुम्हें जीजी के बारे में बताया था ना, हम उसको चिढ़ाएंगे। हम सिर्फ खाना खाएंगे, बस एक रात की तो बात है। बिल्कुल नहीं, सनम को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी, ठीक है? इन तीन दिनों में ये मोहल्ला क्या से क्या हो गया, कैसे बदल चुका है पूरी तरह। ये झूठी एंगेजमेंट, झूठा प्यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। मुजफ्फर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम एक बार तो कर दो, इतना तो करना पड़ेगा मेरे लिए तुम्हें। क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो? सही कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सनम को सब सच बताओगी ताकि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं उसको बाद में बता दूंगी। ये हुई ना बात। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑरेंज जूस पियोगे? हाँ, एमरे नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर है, चेंज कर रहा है। क्या बात है? तुम कुछ नाराज लग रहे हो? सनम के रिंग तुम्हारी उंगली में देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये तो मैं घर पर ही पहनती हूँ, जब तक एंगेजमेंट लीगलाइज नहीं हो जाती। तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, तुम और एमरे, सनम और ओस्मान, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, ये बात मुझे तकलीफ देती है। सनम बहुत अजीब लड़की है, उसे बात छुपाने की आदत है। मैंने पूछा था पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, पता नहीं क्या चाहती है। आइलिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम सनम को जानती हो? हाँ, वो सेल्फ मेड है, बहुत ही अलग। मैं चलता हूँ। सी यू। आइलिन, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ बैठा बैठा सनम की बुराई कर रही हो? कह रही हो कि उसे बातें छुपाने की आदत है, चाहती क्या हो तुम? हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारा ब्लेम सनम पर डाल देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही जान को पता चलेगा कि सनम की एंगेजमेंट झूठी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं जान को जानती हूँ, वो तुरंत ब्रेकअप कर देगा। वो इस बात को लेकर बहुत अपसेट है, उसके दिमाग में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, अब ये रिंग निकाल कर रख दो, निकालो इसे। एमरे, मैं यहाँ रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे अपसेट मत करो। तुम भी खाओ ना प्लीज। नहीं चाहिए मुझे। अरे अरे, अयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं, तुम सुनना चाहोगी ना? क्या इतना जरूरी है क्या? हाँ। ऐसी बात जो लाइफ चेंज कर देगी, जो मेरी जिंदगी चेंज कर देगी। तो एक मिनट रुको, ठीक है? हाँ बोलो। सनम सनम सनम, सुनो ना, मैं प्यार करने लगी हूँ। जी जी से मैंने खुद की फीलिंग्स को पहचाना और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? जीजे ने बताया क्या? नहीं, खुद समझ गई थी। सनम, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनो एहान, मैं पहले सिर्फ नोटिस कर रही थी और समझने में मुझे वक्त लगता है, जानती हूँ। हाँ, सही कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है, जीजी भी तुमसे प्यार करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने कहा उसको फोबिया है और मैं कोई प्यार की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब। ये जीजी भी ना कुछ ऐसा ही है। मुझे पहली बार प्यार हुआ है और ये लड़का कहता है कि उसको फोबिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे उसे समझाऊँ, बताओ तो मुझे। अरे ये क्या, मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया हूँ, बताओ क्या करना होगा मुझे, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है, बोलो कहाँ पर जाना है, बताओ ना मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें इशारा किया यहाँ आने के लिए? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ, कैसी हो सनम?
हमने एक प्लान बनाया है आयहान और मैंने, एक झूठे रिलेशनशिप का, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने और उस्मान ने बनाया था। पर तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आके तुम एडवांस में बता दूँ। ओ अच्छा, तुम ऐसा क्यों करने वाले हो? जीजी को जलाने के लिए। अगर मुजफ्फर ऐसा करेगा जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसके सर पर जो डर है वो दूर हो जाएगा और फिर मैं और जीजी पता नहीं क्या होगा। आयान, तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ऐसा ही करने वाली हो? मेरे बारे में सोचो जरा, मैंने एक झूठ बोला है और उससे अभी भी बाहर नहीं निकल पाई। ये कदम बहुत ही खतरनाक होगा, मुझे ही देख लो, मेरी हालत ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ ऐसी है। अगर सच बोलो तो भूचाल आ जाएगा और ना बोलो तो ये सब होते ही रहेगा, समझ रही हो ना? सनम, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मुश्किल हालत में हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सनम, ये क्या तुम मुश्किल में हो? तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूँगा। जब भी कोई मुसीबत सताए तो हाजिर है मुजफ्फर। नहीं जबरदस्त, तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अयहान संभल कर, ये तुम्हारा डिसीजन है, फिर भी एक बार अच्छे से सोच लेना। थैंक यू मेरी बहन। चलो जल्दी करो, हैव अ नाइस डे सनम, और कोई मुसीबत हो तो मुझे बोलना। मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती, तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके, तुम खुद को तो देखो पहले, सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ एक्शन एक्शन करके सबके सामने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो ओविडो की कंसल्टेंट मैं हूँ और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए, हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन ठीक है और फिर रोमांस, अब तो चलेगा ठीक है ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट पार्क है। इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं एल्बेट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है एल्बेट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार। अच्छा तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम लोगी है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप कहाँ चले गए? मिस्टर जॉन, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ, लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है सरम, प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे रोमांटिक है इससे। मैं जानता हूँ हमें भी पैसे नहीं मिले। देखिए मैं आपको अगले हफ्ते के एंड तक पैसे पूरे दे दूंगा, फिक्र मत करो। नहीं नहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, बाय। अच्छा सुनो लल्ला, अगर सलीम कॉल करे तो कहना कि मैं नहीं हूँ, वो बार बार पैसों के लिए कॉल कर रहा है। ओह आई एम सॉरी, मैं पेन लाना भूल गई। ये रही पेमेंट लिस्ट आपकी। ये क्या, इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ टेक्निकल टीम के लिए? हाँ, मिस्टर जॉन ने कहा था उन लोगों को बहुत जरूरत है, इन दिनों उनकी सही पेमेंट नहीं की गई है, इसलिए उनको टोटल अमाउंट पे करना है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लैला? वो आप मीटिंग में थे मिस्टर एम्ब्रे, और मिस्टर जॉन ने अकाउंटेंट को खुद जाकर कहा था, इसलिए मुझे लगा आप जानते हैं। क्या बताऊँ, मेरा भाई एक बहुत ही नरम दिल इंसान है, वो ये कंपनी बर्बाद कर देगा। मैंने उसे दो दिन पहले ही अच्छे से वार्न किया था, मैंने कहा था उससे कि मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसे खर्च करना। आई एम सॉरी मिस्टर एम्ब्रे, लेकिन हमें बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं और इन दिनों हम वो कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है लैला, ठीक है, जब हमें वायरटी से पेमेंट आ जाएगा तो हम पूरे पैसे दे देंगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैंने रिश्वत क्यों दी थी?
यस मिस्टर एम्ब्रे, अब से मैं कोई भी फोन आपको कनेक्ट नहीं करूंगी जब तक वो पेमेंट अरेंज ना हो जाए। थैंक यू सो मच लैला, पता नहीं तुम नहीं होते तो क्या होता, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। ये मेरा फर्ज था। बे, मेरी प्यारी दोस्त, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, ये लो इसे खा लो, अच्छा लगेगा, मैंने अभी अभी कुक किया है, बहुत बढ़िया बना है, इसे खा लो। पेस्ट्री? यस। थैंक यू मेलिहात, पर मैं नहीं खा सकती। क्यों? मुझे खाने के लिए मना किया है, मेरा ऑपरेशन होगा, मैंने रिंग निगल ली है ना, तो नहीं खा सकती। दिल तो बहुत कर रहा है, टेस्टी लग रहा है, पर नहीं खा सकती, मैं क्या करूँ? ऊपर वाले माफ करना, अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी ना लाती। मिस्टर निहाद आप तो खा लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए ना, खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी है, खा कर देखिए। थैंक यू मिसेस मिलाद, मेरी जान भूखे और मैं ये खाऊं ये हो नहीं सकता। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इसे ढक दो, प्यार से पेट भर। ये भी सही है, कितने अच्छे इंसान है आप, कितनी खुशकिस्मत है ये। मैं वापस ले जाती हूँ, शॉप पर इंतजार कर रहे होंगे सब, बाद में आती हूँ, फिर हम साथ बैठकर बहुत सारी गप्पे मारेंगे, तब तक खुशखबरी सुनाना, चलो। असली रुको, मैं आ रही हूँ। खुशखबरी है? हमें तो उसी का इंतजार है। क्या करें, अब तो हमारा वक्त भी नहीं कट रहा। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, हमने इसके लिए दो ट्रैक तैयार किए हैं दो अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। क्या मैं चाय ऑर्डर कर दूं? अरे नहीं, जब भूख लगती है तो चाय नहीं पीती, तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है मेरे बेबे। अरे बाप रे, वो मुसीबत आ रही है, इधर ना आ जाए। जरा देखो तो, ये आयसन और ईशान दोनों एक साथ घूम रहे हैं, सालों से हम इन्हें जानते हैं, इन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? लोग क्या कहेंगे इनके बारे में? वैसे भी आजकल किसको क्या पड़ गया, क्या करूं? मेरी के बे, ये सब छोड़ो ना, हॉस्पिटल कब जाना है ये बताओ मुझे अब। निहात, मैंने कहा ना तुम खाना खा लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम खा लो। नहीं कभी, 4 घंटे पड़े तब तक क्या भूखे रहोगे तुम? जाओ जाके खा लो कुछ, तुम खा लो। हाँ कैसे मेरी के बे, मैं तुम्हारे बगैर खा सकता हूँ कैसे? कभी नहीं, तुम भूखी रहो और मैं खाता रहो, कैसे दिखेगा ये? आ जाओ यहाँ पर। तुम कितने अच्छे हो निहात, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे, मैं बस यही चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मेरे के भैया, तुम्हें कुछ खाने की खुशबू आ रही है यहाँ? भरपूर था, मुझे लगता है कि ये हमारी कार के लिए एकदम सही है, इससे रोमांटिक लगेगी। तुम फिर से डायरेक्ट कर रही हो डेरेन? हाँ मिस डेरेन, प्लीज आप डायरेक्ट मत कीजिए। जेजे तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंसाफ को। ऐसा कोई इंसाफ दुनिया में नहीं होता जेजे, तुम मेरी तरफ हो। ठीक है। अरे वो हमेशा कर रही है। सरम, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कितना रोमांटिक। और ये ऐसे, मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? मैं तो हैंडसम ही दिखता हूँ।
बेबी की बे, वेलकम। फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ। मेवी की बे, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, जरा मदद करोगे? आराम से, आराम से, जल्दबाजी मत करो, आराम से इस पर लेट जाओ। बहुत बढ़िया, जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं जरा नर्स को बाहर छोड़ कर आता हूँ। मेवी की बे, आइए बाहर आइए, मैं छोड़ आता हूँ आपको। सब ठीक तो है ना? कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र मत कीजिए। आप एक घंटे बाद घर ले जा सकते हैं उन्हें। मैं अभी आपकी रिंग ला कर देती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब ठीक है मेवी की बे, हम एक कप सूप पी सकते हैं। ये लो मेवी की बे, मैं देता हूँ अभी। मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ सूप पीने के लिए। ये क्या, ये लो। क्या कर रहे हो निहाल? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बढ़िया, ये सूप बहुत ही अच्छा है। मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मेरे साथ हो, बहुत खुश हो। ये क्या बातें कर रही हो मेवी की बे, सालों से तुम हमारी देखभाल करते आ रही हो, अब हमारी बारी है। हम मिसेज मेवी की बे को कुछ देना भूल गए थे। ओ आइए ना, आइए आइए। शादी की 30वीं सालगिरह मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। माय प्लेजर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मेरी प्यारी बीवी, अपनी जिंदगी के 30 साल मेरे साथ बिताने के लिए, और अगले 30 साल मेरे सर पर बैठी रहोगी। क्यों नहीं? मैं तो हमेशा सर पर बैठूंगी तुम्हारे। निहाल, तुम कितने रोमांटिक हो। ये कर नहीं सका था, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। माय डियर, मेरी जिंदगी हो तुम। चलो चलते हैं। वो लोग खुश है क्या? मजा आ गया। अजीब है, इतना खुश होने की क्या बात है? अरे कितना मजा आया ना। सच में राइड बहुत ही फैंटास्टिक थी। मैं बहुत टाइम के बाद इतनी खुश हुई हूँ। थैंक यू, उस कार ने हम सबको खुश कर दिया है, मजा आ गया। ग्रेट, सुपर्ब। तो अब आपको फॉर्म में यही सब कुछ लिखना है, ये आपने राइड पर कितना एंजॉय किया और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब वक्त बदल चुका है। क्या आप में से कोई है? क्या आप में से रोमांस को लेकर कोई खुश है? ये लो। ठीक है, अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये कॉटन क्या है? इसे खाइए और सोचिए कि आप यमुना के किनारे पर बैठे हैं। सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना। क्या करूँ, किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है, मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ? उनको पता भी कैसे होगा। नहीं, पता नहीं। अरे अरे, हाँ, वो रहा, मुझे मेरा हाथ पकड़ो।
चलो चलो जल्दी करो, मेरा हाथ कैसे पकड़ो। उंगली में उंगली डाल के पकड़ो। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे पकड़ो। हाँ। चलो चलो वो हमें देख लेगा, ऐसे प्रिटेंड करो कि हम बातें कर रहे हैं, उसे इग्नोर करो। वाह कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा पार्क है ये। हम दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुमने क्या बोले, समझ नहीं आ रहा है मुझे कितना। अरे वो जा रहा है, मुझे वो जा रहा है, चलो उसके पास चलते हैं। अयहान हम उसके पास जाकर क्या कहेंगे। एक काम करते हैं, हम उसे जाकर बता देते हैं कि हम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ बात बन जाए, वरना उसका दिल टूट जाएगा और दिल टूटना बहुत बुरा होता है। मुझे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, अगर उसे बता दिया तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा। ठीक है अरे जे तुम यहाँ कैसे। ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगा, मेरा काम चल रहा है यहाँ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये हाथ में हाथ डालकर क्यों खड़े हो तुम लोग, ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। हाँ जिबो, जबरदस्ती हाथ पकड़ा तुमने, हाथ छोड़ो पहले, हाथ छोड़ो काना। और ये तुम ऐसे एहान के साथ नेकलेस वगैरह पहनकर और ये टी शर्ट पहनकर आए हो, तुमने अपनी स्टाइल क्यों चेंज कर दिया। हम सबको अपनी स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, चेंज इज गुड। मुजफ्फर लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये मुजफ्फर है और तुम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो, पर मुझे बहुत बदल गया है, मुझे अब स्टाइलिश बन गया है, और मुझे अब मेरा बॉयफ्रेंड है, और यही पास के एक रेस्टोरेंट में हमने टेबल बुक की है रोमांटिक डिनर के लिए, यू नो, और हमें सनम भी मिलने वाली है। मजाक, तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, तुम मेरी टेस्ट ले रही हो, है ना, ऐसा करोगे तुम मेरे साथ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो मेरे भाई, हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ वही तो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। चलो अब यहाँ टाइम पास नहीं करते मेरी जान, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं, चलो। हाँ बिल्कुल, हमें डिनर के लिए देर हो रही है। कैसा अजीब मोहल्ला है इनका, कैसे कैसे वैल्यू सिखाए होंगे इन्हें, कोई किसी से एंगेज है या कोई एंगेजमेंट से झूठ बोल रहा है, और अब ये दोनों कपल्स बन गए हैं, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रैंक था, हाँ ये शायद प्रैंक हो सकता है, नहीं नॉट पॉसिबल, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, पर जाओ एंजॉय करो, जले पे नमक छिड़को, क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरी फूटी किस्मत, काम करो, नहीं उन पर नजर रखता हूँ। ओके गाइस, तो सुनो अब हमें क्वेश्चंस के आंसर भरने पड़ेंगे। आप वीकेंड्स पर कार में घूमने जाते हैं, मेरा मतलब आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कितनी रोमांटिक लग रही हो, रोमांस से चूज करना ठीक है, एडवेंचर वाले यहाँ आ जाइए प्लीज। इस कार का कम्फर्ट, इस कार की हाईलाइट या कुछ और। फाइनली तुम मिल गई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा, ये लो। खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं डोंट वरी, मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम ऊपर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट, हाँ आ जाओ।
वो हमें देख रहा है क्या? देख रहा है, बहुत ही डरपोक है, मेन्यू कार्ड के पीछे ऐसे छुप छुप कर देख रहा है। बेचारा मुझे तरस आ रहा है उस पर। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें इससे प्यार है? देखो तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग सकती है, एक बार सोच लो तुम अच्छे से, क्यों तुम इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? मुजफ्फर बकवास मत करो, देख रहा है क्या बताओ? आंखें फाड़ कर देख रहा है। तुम बड़े मजाकिया हो। तुम बहुत ही मजाकिया और टैलेंटेड लड़की हो सच में। नहीं, आपका ये मेन्यू बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। वेटर ने उससे दो बार ऑर्डर पूछा, उसे ना होटल वाले कुछ ही देर में लात मार कर निकालेंगे। आयहान ये क्या कर रही हो, तुम्हें जरा भी टेबल मैनर्स नहीं है? बाकियों के टेबल्स देखो कितने अच्छे हैं, कैसे खाती हो तुम यार। देखो ये होटल बहुत क्लासी है, भले तुम ना हो, इस होटल की कदर करनी चाहिए तुम्हें, अच्छे से बिहेव करो। मुजफ्फर मुझसे रूडली बात मत करो, ओके? पता नहीं क्या करूं इसका। ओह माय डार्लिंग, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आओ ना मेरे चोकोपाई। चोकोपाई? चोकोपाई के अलावा कोई अच्छा नाम नहीं मिला तुम्हें? देखो तुम इस रोल को सीरियसली मत ले लेना, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सनेम का हूँ। डूड, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये नाटक सच लगे, मेरे पास आओ, चलो जल्दी करो। ओके ओके सॉरी, समझ गया। मैंने तुम्हें मिस किया। क्या कर रही हो, इतना मत चिपको, हम सिर्फ दोस्त है आयहान, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। वो देख रहा है हमें मुजफ्फर। ओह गॉड, जरा देखो उसकी तरफ, इस तरफ हाथ करो और देखो। हाँ देख रहा है। अच्छा, घूर घूर के हमारी तरफ ही देख रहा है वो। पर रिया क्यों नहीं कर रहा, फिर से देखो उसे, जाओ पीछे मुड़ो। एक मिनट रुको, बहुत डरपोक है वो, अभी भी मेन्यू कार्ड के पीछे छुपा हुआ है। मुजो, हमें इस प्लान को स्पीड अप करना होगा, तुम तैयार हो? बताओ। स्पीड अप मतलब गाड़ी थोड़ी हो, मैं क्या करना होगा? यहाँ रुक जाओ, आयहान रुक जाओ, मत करो ऐसा। हम नाटक कर रहे हैं, मत करो प्लीज, मत करो। क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? बहुत हुआ, हम लोग दोस्त हैं, आप हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अपना अपना खाना खाइए, आपको अब तकलीफ नहीं होगी। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसी हो मेरी दोस्त आयहान, बहुत दिनों बाद मिली तुम। क्या खा रहे हो तुम? बैठो ना आयहान। सॉरी। तो मेरे दोस्त क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा पर तुम तो डसने वाले सांप निकले। आयहान तुम इसे डेट कर रही हो? हाँ बिल्कुल, हम डेट कर रहे हैं। हाँ हम डेट कर रहे हैं, क्यों, क्या हो गया जेजे भाई, कोई प्रॉब्लम है? आयहान और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, गलत है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, गलत है ये। आई एम सॉरी पर अब कुछ नहीं हो सकता, जब आयहान और मुजो राजी तो क्या करेगा जेजे पाजी? आयहान आई लव यू। अरे अपना मुंह बंद करो मुजो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मतलब हम डेट तो कर रहे हैं पर तुम चाहो तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं। मुजफ्फर मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, इट्स ओवर। ब्रेकअप करना है? मेरे दिल को क्या तुमने एक खिलौना समझ कर रखा है? कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारी वजह से एक एलिजिबल बैचलर बन गया हूँ। जेजे मुझे जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड सिंड्रोम था वो अब ठीक हो गया है। तुमने देखा कि मैंने मुजो के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट करें क्या, बताओ? नहीं नहीं आयहान, नहीं मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ आयहान, आई एम सॉरी, नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो मैं ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हूँ तो रिलेशनशिप में क्या आऊंगा, किसी और को बॉयफ्रेंड मत बनाओ पर मेरे पास भी मत आओ, हाँ मैं यही चाहता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ ना रहूं, किसी और के साथ ना रहूं, क्या चल रहा है, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ मैं क्या पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी, मुझे भी प्यार करने का हक है, समझे? कवारी रह सकती हो, सही कहा ना, क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में आयहान, बढ़िया आइडिया है एकदम। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया था आयहान, प्लीज थोड़े दिनों के लिए तुम कुंवारी रह सकती हो, प्लीज मेरे लिए ये बात मान जाओ प्लीज। रुको, दे दो ये लो। हाँ पता नहीं, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड था नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। थैंक यू आयहान। अपने कान पे लगाओ ना ये फूल। कान पर लगाऊं? ये देखो इन्हें जरा, कभी खुशी तो कभी गम, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे दोनों कसम से। ऐसे करो। ओके गाइस, अब हम सबको निकलना चाहिए, आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं, नहीं बल्कि हमें बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन, बाय बाय, मिलकर अच्छा लगा, हेल्प करने के लिए थैंक्स, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग, व्हाट्स अप, कैसा भाई? मैं ठीक हूँ।
हेलो सुनील, क्या हो गया, क्या काम? काम अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस टेम्ब्रे को आना था इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए मे बी वो सेट देखने नहीं आइलिन को देखने आए हैं। क्या उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है? अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई, मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में बिलीव मी आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट अनाउंस करते हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है। जी जी, रुको रुको। कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारे ही कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलिन, एक सेकेंड आएंगे क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती, काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एम्ब्रे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी, मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एम्ब्रे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एम्ब्रे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एम्ब्रे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो, हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए, मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा? कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप करूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। Thank you.
यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शौक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ तुमने सही कहा, चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनीम, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ। सनीम, तुमने मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है, आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस, ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए। गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे। सी यू, बाय। सनम जान, मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम वो बताओ, कि तुम मुझे छोड़ दोगे, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, ये कह रही थी ना जान। सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। क्या सोच रहा था मैं, सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने और तुम भी वैसे ही निकली। तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी? हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। क्यों क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहां चोर बनकर आई थी। चोर बनके? ओके, वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक, मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है
उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है, झूठी है जान। La 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 la